गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एज अ होल तो क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मगर इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन मैटर करता है, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का ऐसा ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इसको सीबीएसई बोर्ड के लेवल पर आज देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बाय प्रोफेसर एलेक जेफरीज। किसने दिया कॉन्सेप्ट? बाय प्रोफेसर एलेक जेफरी। ठीक है, इसके नीचे हम लोग एक और नाम याद कर लेंगे, डॉक्टर लालजी सिंह का। डॉक्टर लालजी सिंह का नाम हम लोग याद कर लेंगे। डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अगर आप इसके अदर नेम्स की बात करते हैं कि इसका अदर नेम्स क्या क्या है, तो एक काफी कॉमन नेम है इसका, डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या नाम है? डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, आपको पता है कि मेरा हमेशा से फोकस रहा है लेमैन लैंग्वेज में समझाने का। ठीक है, यूट्यूब पर मोर देन 1000 लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आप जितने लेक्चर्स देखेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन अराइज करता है। तो आपको बेसिक क्या लिखना है और कैसे नंबर है, ठीक है, ये आपको इस लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है, अदर नेम इसका एक क्या है भाई? डीएनए प्रोफाइलिंग, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक नाम जरूर लिख दीजिएगा, ये एक नाम आपको जरूर लिख देना, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है? डॉक्टर लालजी से। ठीक, अब क्या होता है अगर आप इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस मतलब कि कहां यूज है इसका। ठीक, तो इसका यूज है फॉरेंसिक्स में। ठीक है, क्राइम सीन्स में, अगर कहीं क्राइम होता है और कोई सस्पेक्ट है उसको अगर आपको पता करना है, वहां पर आपको यहां उसका यूज होता है। पेरेंटल डिस्प्यूट्स में, ये काफी कॉमन मसला है, पेरेंटल डिस्प्यूट। ठीक है, यहां पर यूज होता है एक्सेट्रा, और भी कई सारे यूजेस हैं। 3 कॉमन पॉइंट हम लोग लिखे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू करने से पहले आपको एक बात याद रख लेना होगा, जब भी आप अपने डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, मतलब ये एक मेथड है सेपरेशन का। ठीक है, तो आपको आपके डीएनए में 2 बैंड मिलेगा, बैंड 1 बैंड 2। ठीक है, एक बैंड आपको मिलेगा
लाइट डीएनए का, किसका मिलेगा लाइट डीएनए का, और दूसरा बैंड आपको मिलेगा बल्क डीएनए का, किसका मिलेगा बल्क डीएनए का। इसका और भी दूसरा नाम है, सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए, ध्यान दीजिए, ठीक है, लाइट डीएनए, ठीक है, लाइट बैंड जो कि सैटेलाइट डीएनए का है और रेपिटेटिव डीएनए का है, ठीक है। यह सैटेलाइट डीएनए फिर दो तरीके का होता है, एक माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा मिनी सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं एसटीआर और मिनी सैटेलाइट को कहते हैं वीएनटीआर, याद रखेंगे, माइक्रो सैटेलाइट को एसटीआर और मिनी सैटेलाइट को वीएनटीआर। माइक्रो सैटेलाइट का मतलब होता है एसटीआर यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, और मिनी सैटेलाइट का मतलब होता है वीएनटीआर जिसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। आपके किताब में इसी को फोकस किया गया वीएनटीआर को, तो आप वीएनटीआर को याद कर लेंगे सीबीएसई वाले बच्चे, ठीक है, वीएनटीआर को याद कर लेंगे, ठीक है। एसटीआर को आप ध्यान दें या नहीं भी दें मगर वीएनटीआर याद कर लीजिएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये रिपीटेटिव डीएनए है, यहां पर बेस पेयर जो है ना ये रिपीट करता है, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि जब आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे अपने डीएनए का, तो आपको दो तरीके का पीक मिलेगा, ठीक है, एक पीक जो ऊंचा होगा यानी कि मेजर पीक, और दूसरा पीक जो छोटा होगा वो हुआ माइनर पीक, ठीक है। ये मेजर पीक किसका है भाई, जो डीएनए ज्यादा है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, बल्क डीएनए, और माइनर पीक किसका होगा, जो डीएनए कम है, यानी कि सैटेलाइट डीएनए का, यह हमेशा क्या बनाएगा, माइनर पीक बनाएगा, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बैंड लिख रहे हैं वहां पर, तो आपको नीचे में ऐसे बल्क डीएनए दिखाना होगा जिसका अमाउंट ज्यादा है, जो ज्यादा प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, और ऊपर में आपको थिन बैंड के साथ सैटेलाइट डीएनए दिखाना होता है जिसका प्रोपोर्शन कम है,
क्या है, जिसका प्रोपोर्शन कब है, मेन यही है, ठीक है, मेन यही है। आपके डीएनए में दो कंपोनेंट होता है, एक बल्क डीएनए कंपोनेंट, दूसरा लाइट डीएनए कंपोनेंट, जिसको आप सैटेलाइट डीएनए या रेपिटेटिव डीएनए कह सकते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट आपका एसटीआर है, मिनी सैटेलाइट आपका क्या है, वीएनडीआर है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर सेपरेशन में सैटेलाइट डीएनए पतला बैंड बनाएगा और जो बल्क डीएनए है वो हेवी बैंड बनाएगा। और जब आप इसको पीक्स बना करके दिखाएंगे तो जो बल्क डीएनए है वो हमेशा मेजर पीक देगा यानी ऊंचा, और जो माइनर पीक होगा वो किसके लिए होगा, आपका सैटेलाइट डीएनए के लिए होगा, ठीक है। साथ में आपको ये भी बात ध्यान में रख लेना है कि जब आप वीएनडीआर की तरफ फोकस करेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा परेशान, बिहार बोर्ड वाले को तो परेशान ही नहीं होना है इसमें, बिहार बोर्ड के लिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता है इसे, ठीक है। और जेनेटिक्स का पोर्शन आपको बहुत रेयरली टच करता है, इतना टेक्निकल क्वेश्चन सीबीएसई के लिए है, ठीक है, ध्यान देंगे यहां पर। चलिए देखते हैं, वीएनडीआर यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ठीक है। यहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट में रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब पहले इसका नाम का मतलब देख लीजिए, टैंडम रिपीट मतलब ये रिपीट होगा मेनी टाइम्स, बहुत बार रिपीट करेगा, ठीक है। और वेरिएबल मतलब इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो बिटवीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। इंसान से इंसान वीएनटीआर जो है वो वैरी करेगा, ये एकदम श्योर बात है। और क्रोमोसोम्स, एक ही इंसान के जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं उसमें भी वीएनटीआर वेरिएबल होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम्स याद रखेंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये वैरी करता है, और नॉनहोमोलोगस में तो वैरी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स यानी कि जो रिपीटेशन है वो कई दफा है, टैंडम रिपीट्स यानी कई दफा रिपीटेशन, और वेरिएबल है मतलब हर इंसान में वो अलग अलग है, ठीक है। कहता है 99.9% ऑफ इंडिविजुअल हैव सेम डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। 99.9% जो इंडिविजुअल होते हैं उनका डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है। एवरी इंडिविजुअल डिफर बाय 0.1%, हर कोई एक दूसरे से 0.1% से डिफर कर रहा है, और ये 0.1% आपका वीएनटीआर और एसटीआर हो सकता है, ठीक है। क्या कहता है, जब आप वीएनटीआर देखेंगे तो वीएनटीआर जो है इसके बारे में जान लीजिए, इसमें 10 बेस पेयर एटलीस्ट होंगे, कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर एटलीस्ट होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस पेयर जो इसमें जाएगा वो
60 बेस पेयर्स होगा, क्या होगा 60 बेस पेयर्स होगा, सीबीएसई वाले बच्चे ध्यान दें, 10 बेस पेयर से 60 बेस पेयर, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहां पर सी सी ए ए टी टी जी जी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9 और ए, ठीक है भाई, ये हो गया आपका मिनिमम 10 बेस पेयर, ठीक है, और ये रिपीट कर रहा है सी सी ए ए टी टी जी जी सी एंड ए, ठीक है सी सी ए ए टी टी जी जी सी एंड ए एंड सो ऑन, ठीक है। अब रिपीट्स कितने होंगे, ठीक है, तो इस पर कई सारी बातें बताई गई, ठीक है, बट जो बेसिक बात है, जो बेसिक फरमा है इसका, बताता है कि VNTR में ऐसे रिपीट्स यानी कि 10 सिमिलर बेस पेयर का रिपीट्स कितनी बार होगा, मिनिमम 5, मैक्सिमम 50, ठीक है, यानी कि 5 से 50 रिपीट्स होंगे, ठीक है, यानी कि ये जो 10-10 का है ये कितनी दफा हो सकता है, 5 बार, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 50 बार। कुछ लोग कहते हैं कि ये 10 से 1500 टाइम रिपीट कर सकता है, ठीक है, ऐसे भी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, मगर क्या है, हम लोग को ये डेटा पर चल रहा है, ठीक है, जो हर जगह पर अवेलेबल है हम लोग को इस डेटा पर चल रहा है, 5 से 50 बार रिपीट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 से 50 बार रिपीट करता है ऑन एवरेज, ठीक है, आपको पता चल गया VNTR क्या है, जो 0.1% DNA है जिससे आप अपने भाई बहनों से अलग हैं, हर किसी इंडिविजुअल से आप अलग हैं, वो VNTR है, ठीक है। VNTR के बारे में एक बात और याद रखिएगा, VNTR सेम होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना वो किसी तरीके से भी अलग नहीं होते, उनमें 100% डीएनए सीक्वेंस सेम होता है, ये 0.1% वाला भी मामला नहीं होता है, मोनोजाइगोटिक यानी सिंगल जाइगोट से दो बच्चे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, ये मामला हो गया रिपीट्स का यहां पर, ठीक है, 0.1% से सब अलग है, हम है आप है कोई भी हो, बाकी सब डीएनए का सारा सीक्वेंस सेम है। अब क्या है, ये रिपीट डिफर करता है किसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान है उसमें VNTR यानी ऐसा ऐसा रिपीट्स 25 है, कोई दूसरा इंसान है उसमें 30 है, कोई दूसरा इंसान है उसमें 40 है एंड सो ऑन, ठीक है, किसी में 45 है, तो ये VNTR हर इंसान में अलग अलग होता है, मेरे में हो सकता है 15 होगा, ठीक है, रिपीट्स 5 से 50 होते हैं, हो सकता है आपने 20 होगा, मेरे में 15 होगा, हो सकता है मेरे किसी भाई बहन में 16-17, ठीक है, या 12-13, ऐसे चलता है, ठीक है, ये हमेशा अलग अलग होते हैं VNTR। तो VNTR का सबसे बड़ा बात क्या होता है कि यहां पर ये बात याद रखना, कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 से 60 और रिपीट 5 से 50। उसी तरीके से अगर आपको कोई शॉर्ट में एसटीआर के बारे में भी पूछ दे, शॉर्ट टैंडम रिपीट, ठीक है, ये 2 से मैक्सिमम 10 बेस पेयर्स लॉन्ग होता है, मैक्सिमम
मोस्ट ऑफ द बुक में 2 से 6 बेस पेयर्स लिखा मिलेगा मोस्टली, ठीक है, 2 से 6 बेस पेयर होता है, ठीक है, और रिपीट्स भी इसके कम होते हैं, शॉर्ट रिपीट्स होते हैं, रिपीट्स भी इसके क्या होंगे, वो काफी कम होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि सी सी ए ए टी, अब देखिए ये हो गया भाई 2, 2, 4, 1, 5 सी सी ए ए टी 5, 5, 5 का सीक्वेंस है, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। पहले लोग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते थे वो वीएनटीआर से करते थे, अब एसटीआर से करते हैं, ठीक है। आप इसको अगर देखना चाहेंगे ना तो अपने एनसीईआरटी किताब को देखिएगा, आपको लिखा हुआ क्रोमोसोम 7 मैटरनल पैटर्नल दोनों में देखिएगा, एक में वीएन मतलब बैंड बनाया होगा रेड कलर का पिंक कलर का, एक में 5 होगा, एक में 4 होगा, एक में 7 होगा, ठीक है। तो वो वीएनटीआर या एसटीआर वो हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है, हाईली वेरिएबल, और हर इंसान में वेरी करता है। कारण है इसका म्यूटेशन, म्यूटेशन जो है ये इसका कारण है माना जाता है, ठीक है। तो वीएनटीआर और एसटीआर में फर्क क्या है, एसटीआर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स है 2 से 10 पे 10 बेस पे, और मोस्ट ऑफ द बुक्स में 2 से 6 बेस पे, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10 बेस पेयर से शुरू होता है यहां वीएनटीआर और 60 तक मैक्सिमम जाता है, हम ये बोलेंगे 2 से 10 के अंदर रहेगा, 2 से 10 के अंदर रहता है मैक्सिमम, 2 से 6 के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये वीएनटीआर और इसी का कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आपका डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग में कुछ नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़े थे, सारा चीज पढ़े थे, हर एक चीज पढ़े थे, आपको पता है क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, सब चीज पता है, मेन यही है, ये कॉन्सेप्ट है, मेजर पीक माइनर पीक क्या होता है, कब बनता है, तो भाई जब भी माइनर पीक बनेगा, ठीक है। तो आप हम बता रहे हैं आपका डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसमें अगर रिपीट 5 बार है किसी चीज का वीएनटीआर का, तो ऑब्वियस बात है माइनर पीक देगा, बाकी जितना है सब मेजर है, ठीक है। तो ये समझदारी वाली बात है, ठीक है, समझदारी वाली बात है, बहुत अच्छा टॉपिक, इसमें और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब इसमें और एक पॉइंट, एक चीज और बचा हुआ है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, और क्वेश्चन यहां से भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी आएगा। आरएफएलपी यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपके लिए एक नया मुद्दा हो गया, ठीक है। कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, इट विल कट डीएनए, ये क्या करेगा, डीएनए को काटेगा इन वेरियस लेंथ, और ये अलग अलग लेंथ होगा, डिफरेंट लेंथ होगा, यानी कि आप कह सकते हैं वेरियस डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ में काटता है। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है अलग अलग लेंथ में, ये अलग अलग लेंथ में कैसे काटता है, दिस इज ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, ये अराइज होता है ड्यू टू म्यूटेशन, हम बताए ना कि वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट यानी 0.1% जो डीएनए सीक्वेंस है वो सब इंसान का अलग अलग है, ठीक है, ये सब इंसान का अलग अलग है, और अबाउट रिपीट्स आपको मिलेंगे 5 से 50 ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज, ठीक है। तो सेम बेस पेयर का 5 से 50 रिपीट मिलेगा, ठीक है, 5 से 50 रिपीट मिलेगा, कहीं पर
पांच बार रिपीट होगा, कहीं पर सात बार रिपीट होगा, कहीं पर आठ बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसके कारण डीएनए जो कटेगा कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं बड़ा कहीं छोटा, ठीक है। तो कहता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये डीएनए को डिफरेंट लेंथ में काटता है, वेरियस लेंथ। इसका कारण क्या है भाई, यही वीएनटीआर है। ये वीएनटीआर यानी कि जो रिपीट्स होता है जो काफी ज्यादा होता है डीएनए में, पूरे डीएनए के लेंथ में ये वीएनटीआर भरा हुआ रहता है, ठीक है, जो काफी ज्यादा होता है, चाहे वीएनटीआर हो या एसटीआर हो, ये भरा हुआ रहता है। तो अब इसका जैसा लेंथ होगा, ठीक है, अगर जैसे कि हम बोलेंगे कि यहां 10 बेस पेयर का रिपीट है, ठीक है, कितनी बार है भाई, 1, 2, 3, 4, 5 बार है, ठीक। दूसरे में बोलेंगे भाई कि 10 बेस पेयर का रिपीट है, ठीक है, कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार है। तीसरे में बोलेंगे 10 बेस पेयर का रिपीट है, कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है। लेंथ देखिए भाई, इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी अकॉर्डिंगली डीएनए को काटता है छोटे बड़े टुकड़ों में, दिस इज नोन एज आरएफएलपी, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म का कारण क्या है, म्यूटेशन, ठीक है, क्या है उसका कारण, म्यूटेशन, ठीक। साथ में आपको याद रखना है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो 50% क्रोमोसोम, मां से लेता है और 50% क्रोमोसोम पिता से लेता है। तो उसका वीएनटीआर जो है ना वो मैच करेगा, वो जो रिपीट है वो मैच करेगा, क्योंकि वो तो सेम ट्रांसफर होकर जाएगा, ठीक है, वो मैच करेगा 50% मां से और 50% पिता से, ठीक, क्योंकि तो सेम रिपीट है और वो यूनिक होता है। अगर आपके किसी क्रोमोसोम में है और वो क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ तो वो आप में भी है और आपके बच्चे में भी ट्रांसफर होकर के जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, अलग अलग तरीके का बैंड बनता है, वो टेक्निक हम बताएंगे, जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीड्योर है वो हम बताएंगे, मगर ये सब फिलहाल आपको टूल्स हैं। आप कह सके कि आप इसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं समझेंगे, ठीक है। इतना सा चीज आपको फिलहाल देख लेना है अच्छे से, ठीक है, इतना सा चीज अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि अभी हम लोग एक क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, अपने जो ऐप है रिजोल्यूशन बायोलॉजी क्लासेस का जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसमें जितने भी बच्चे लिंक्ड है, बिहार बोर्ड का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम रात में ही ऑनलाइन आ पाएंगे। तो जो भी इससे में बच्चे जुड़ेंगे उनको फायदा ही होगा, और फायदा ऐसे होगा कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसका आने का संभावना है बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत सारा पैटर्न डिस्कस करेंगे, रिवाइज होते रहेगा और सारा मतलब अबाउट एक घंटे का डेली क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी, हमको लगता है कि 1 से 2 दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक एग्जाम रहे हम लोगों का हम लोग मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लें जिससे कि क्वेश्चन आता रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम की तैयारी कीजिए निश्चिंत होकर के, और जितना नोट्स आपको बताए हैं उस नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, टेस्ट जितना भी लिए थे क्लास टाइम में
सारा क्वेश्चन असेंबल कर लीजिएगा सीबीएसई बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले सारे बच्चे, ठीक है, असेंबल कर लीजिएगा और उसके बाद सारा क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं कोई क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, सारा क्वेश्चन बनाइएगा, तरीका से आंसर लिखिएगा, बिल्कुल मार्क्स आएगा, बिना किसी टेंशन का आराम से एग्जाम देना है, ठीक। चलिए तब तक के लिए शुभरात्रि, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी संस्थान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।